हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं उसिया जायसवाल और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज की मेरी रेसिपी है पालक पनीर और ये है इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने पहले ही रेडी करके रख लिए हैं। सबसे पहले हम पानी कढ़ाई में गरम करेंगे, पालक को वॉश करके रखेंगे, फिर गरम पानी में पालक को ब्लांच करेंगे। पालक को स्ट्रेनर से छान लेंगे। मिक्सर में पालक, जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्च को पीस लेंगे। एक पॉट में अलग करके रख लेंगे। कढ़ाई में घी गरम करेंगे और पनीर को सौते करेंगे। पनीर को अलग रख लेंगे। घी में साबुत मसाले डाल करके पकाएंगे। जीरा और प्याज भी ऐड करेंगे। फिर इसमें टमाटर, नमक डालकर और पकाएंगे। इसमें हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और पकाएंगे। थोड़ा पक जाने के बाद इसमें पालक की प्यूरी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करके गरम मसाले डालेंगे, पनीर ऐड करेंगे और आधा कप पानी डालकर 15 मिनट लो फ्लेम में पकाएंगे। पालक पनीर रेडी है। आज की हमारी रेसिपी थी पालक पनीर। पालक पनीर के बेनिफिट्स के बारे में मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो हर कोई जानते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही कम मसालों में मैंने पालक पनीर को रेडी किया है। आप चाहें तो ऊपर से मलाई डाल के भी खा सकते हैं, उससे भी टेस्ट वैसा ही आएगा। और गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी यम्मी डिशेस के वीडियोज़ बनाकर अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।